हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संगीता ब्यूट्यूबर। तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यू हेयर कट लेके आई हूँ जो है वेवी हेयर्स पे। तो बिल्कुल अलग तरीके से आज का ये कट बताने वाली हूँ और बहुत इजी प्रोसेस बताऊँगी। वैसे तो मैं क्वालिटी के हिसाब से हमेशा कटिंग वीडियो शेयर करते रहती हूँ, लेकिन आज जो कटिंग का प्रोसेस होगा वो बहुत सिंपल और ईजी होगा। तो यहाँ पे मैं पहले आपको विदाउट कटिंग दिखा देती हूँ। वैसे मैं हेयर को डायरेक्ट गीला करके ही कट करने वाली हूँ। करते करते जैसे हेयर ड्राई होते जाएगा वैसे वैसे आपको क्वालिटी पता चलते जाएगी। तो हेयर को क्या करें, सिंपली एक साथ में इस तरीके से उठा लें। अगर आपके पास में कोई अच्छी चौड़ी कोम हो तो आप उसका हेल्प लेंगे, क्योंकि पतली कोम से करोगे तो हेयर फंसने के चांसेस रहेंगे। तो आप ना थोड़ी सी चौड़ी कोम का यूज़ करें ताकि हेयर अच्छे से आप ऊपर ले जा सकें, क्योंकि इसको बिल्कुल सीधा हम 90 डिग्री एंगल पर लेके चलेंगे। तो जैसे ही हम रूट से हेयर को कोम करते हैं ना, तो बीच बीच में आपको लेंथ को भी सुलझाते हुए चलना रहेगा, तभी हेयर अच्छे से आप जो है ऊपर नीचे से ऊपर तक इवन कर पाओगे। और इसको 90 डिग्री एंगल पे इस तरीके से मुट्ठी में रोल कर लेंगे और गोलाई से हेयर को फैलाएंगे। और इसमें हम कर देंगे डायरेक्ट फ्लावर कट। फ्लावर कट बहुत सिंपल प्रोसेस है गाइस, इसको सिर्फ आपको गोलाई से बराबर बराबर कट करना होता है। जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ, अच्छे से चेक कर लें कहीं पर भी हेयर आपका छूटना नहीं चाहिए, तो आप ऐसे मुट्ठी को हल्का सा डाउन करके पूरा देख लें। अब ये हो गया, इसके बाद मैं इसको छोड़ूंगी और देखिए इसमें वन स्ट्रोक में कितना अच्छे से स्टेप्स ऐड हो चुके हैं। इनका हेयर वेवी होने के साथ साथ काफ़ी अच्छा थिक भी है। अभी हेयर देखिए ड्राई हो गया, सामने की तरफ हेयर को लेके आई हूँ तो आप अभी थोड़ा सा फिर भी गीला ही है। जैसे जैसे ड्राई होगा वैसे वैसे आपको हेयर की जो एक्चुअल क्वालिटी पता चलेगी। अब हेयर को कान के जस्ट सामने से डिवाइड करना है, सामने की तरफ लेके आना है इसको और इसको एक साथ में ऐसा ग्रिप करेंगे। चिन से मैं काफ़ी नीचे लाके कट करी हूँ, वो इसलिए क्योंकि इन्हें सामने से शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इनके जो लेयर्स की स्टार्टिंग है वो शोल्डर से थोड़ा सा नीचे से होगी, जो कि वेवी हेयर के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। उसके बाद में इसको ऐसा ग्रिप करने के बाद हल्की सी नोचिंग कर देंगे और ये हमारा फ्रंट का पहला सेक्शन डन हो जाएगा। चेक कर लेंगे अच्छे से, कहीं भी अनइवन लगे तो साथ ही साथ ट्रिम कर देंगे। टू पार्ट्स में ऐसा डिवाइड करेंगे। अब पीछे वाले हेयर को भी मीडियम मीडियम लेयर्स के साथ में हम इसमें कट करेंगे। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें लेयर कट भी कर सकते हैं, बट मैंने जो है बैक साइड से इनको फ्लावर कट इसलिए दिया क्योंकि इनके हेयर में काफ़ी स्प्लिट एंड्स हो गए थे ऊपर तक, तो वो ट्रिम हो गया इजीली। और इसमें मैं लेयर कट कर रही हूँ और बहुत थोड़ा थोड़ा कट कर रही हूँ। साथ ही साथ थोड़ी सी नोचिंग कर देंगे ताकि जो नीचे के हेयर का वेट है वो कम हो जाए, और जब हेयर का वेट कम हो जाएगा ना तो अच्छे से वो फ्री होके पता चलेंगे। वरना वेवी एंड कर्ली हेयर का प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई भी कटिंग करो बट वो एकदम एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। तो मेन हमें ना हेयर कट जो है हमेशा हेयर क्वालिटी के हिसाब से करने की ज़रूरत होती है, यही सबसे मेन टेक्निक होती है। अब जैसे कि मान लो ये जो कट अभी मैं वेवी हेयर पे कर रही हूँ, तो साथ ही साथ इसमें मैं नोचिंग करते जा रही हूँ। और आप ये सिल्की स्ट्रेट हेयर पे भी करोगे नोचिंग के साथ, जिगजैग के साथ, तो उसमें भी बहुत अच्छा लुक निकल के आता है। लेकिन मान लो कि आप नहीं करते हो, ठीक है, तो भी चलेगा, क्योंकि सिल्की और स्ट्रेट हेयर का सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आप कोई भी कटिंग करो वो बहुत एकदम खुल के पता चलती है। लेकिन वेवी हेयर का क्या रहता है कि वो मिक्स हो जाता है। तो अगर आप ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आप करोगे तो जो स्टेप्स आप डाल रहे हैं, जो लेयर्स ऐड कर रहे हैं, वो आपका एकदम अच्छे से दिखेगा। मेरे पास में अभी जस्ट कल एक कॉमेंट्स आया कि मैम आपके सारे हेयर कट्स लगभग सेम ही होते हैं, ऐसा क्यों? तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सारे हेयर कट मेरे सेम नहीं है, बिल्कुल अलग अलग तरीके से मैं बताती हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात यह है कि हेयर कट ऐसा नहीं कि आप एकदम ही अलग तरीके से कर दोगे, ठीक है, क्वालिटी को देखते हुए हमें उसमें थोड़े से चेंजेस करने होते हैं। सिल्की स्ट्रेट हेयर है तो उसमें हमें क्या मिक्स करके करना है वो चीज़ मैं वीडियो में बताती हूँ। वेवी कर्ली हेयर है उसमें आप कैसे करो, थिन हेयर है, शॉर्ट हेयर है, या बहुत ज़्यादा लॉन्ग एंड थिक हेयर है तो उसमें आप कैसे करो, क्या चीज़ें मिक्स करो और कौन से हेयर क्वालिटी पे कौन सी चीज़ें ना मिक्स करो, तो ये डिटेल मैं शेयर करती हूँ जो कि बहुत कम लोग बताते हैं। मैं हर एक चीज़ को प्रॉपर लेते हुए चलती हूँ कि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। हेयर कट हेयर क्वालिटी के हिसाब से अगर आप सीखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा मेथड है। अगर आप मान लीजिए स्टेप्स कट सीख लिए, आपको बहुत अच्छे से करने आता है, लेकिन आपको क्वालिटी ही नहीं समझ आ रही कि किस पे करना है किस पे नहीं करना, आप सबके हेयर पे एक ही जैसा कट करे जा रहे हो,
तो उससे कोई फायदा नहीं है, किसी के हेयर पे वो अच्छा लगेगा किसी पे नहीं लगेगा। तो मैं वही चीज समझाती हूँ कि कौन से हेयर पे आप कौन सी कटिंग करें और कौन से हेयर पे ना करें। तो देखिए, ब्लो ड्राई करने के बाद का जो फाइनल लुक निकल के आया ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। अब जैसे ब्लो ड्राई आप करते हो किसी भी टाइप्स के हेयर पे, तो कटिंग का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा एकदम निखर के दिखता है, कटिंग बहुत इन्हेंस होके पता चलती है। लेकिन जब आप हेयर वॉश कर लेते हो तो आपका हेयर नॉर्मल हो जाता है। तो जैसे अभी बहुत ज़्यादा इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा बाउंसी स्टेप्स दिख रहे हैं, तो हेयर वॉश कर लेने के बाद में थोड़ा सा स्टेप्स हल्का कम दिखेगा। जैसे इसमें अभी एक्स्ट्रा है तो वो एक परफेक्ट स्टेप्स दिखेगा, खास करके इनकी हेयर क्वालिटी के हिसाब से मैंने ऐसी कटिंग करके दी हुई है। तो देखा ना आपने सामने कि मैं काफ़ी नीचे से डाउन करके कट किया, और ये चीज़ मैंने बताई भी कि मैं क्यों नीचे से डाउन करके कर रही हूँ। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो कटिंग को समझे क्वालिटी को देखते हुए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फर्स्ट वाला जो कटिंग आपने देखा वो भी वेवी हेयर पे था, और यहाँ पे एक मैं और कटिंग क्लिप लगा रही हूँ जो कि वेवी कर्ली हेयर है। तो इस पे भी जो है मैंने अलग तरीके से कटिंग की हुई है, ठीक है। जो पहले कटिंग आपने देखी उसका अलग प्रोसेस है और इसका अलग प्रोसेस है। तो ये जो कटिंग प्रोसेस अभी मैं आप सबको दिखा रही हूँ, इसका वीडियो मैं फुल अपलोड कर चुकी हूँ। तो वेवी कर्ली हेयर के लिए ये कटिंग भी बहुत अच्छी है, साथ ही साथ इसे आप जो है सिल्क स्ट्रेट हेयर पे भी करोगे तो बहुत अच्छा लुक निकल के आएगा। मैंने दोनों टाइप्स के हेयर पे ये कटिंग करके दिखाई हुई है। बहुत ही अच्छे से इसमें लेयर स्टेप्स ऐड होते जाएंगे, और ये कट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वेवी कर्ली हेयर पे ही कर सकते हैं। आप इसे थिन शॉर्ट हेयर पे करें, स्ट्रेट एंड सिल्की हेयर पे करें, लॉन्ग हेयर पे करें, सभी पे बहुत अच्छा लुक आएगा। तो पहला जो कटिंग था उसमें मैं फ्लावर कट ऐड की, क्योंकि उन्हें बीच बीच से स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो रही थी, बट इनके बालों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस कटिंग का फुल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इसी चैनल पे, तो आप लोग देखिएगा। और देखिए इनके हेयर पे ना मैं प्रेशिंग मशीन की हेल्प से बालों को सेट की हूँ, क्योंकि इतना स्ट्रेट तो ब्लो ड्राई से नहीं दिखता है, वो हल्का सीधा होता है लेकिन इतना स्ट्रेट नहीं होता है। तो मैं स्ट्रेटनर का यूज़ की हूँ सेटिंग के लिए। तो जो फुल वीडियो मैं अपलोड की हूँ उसमें मैंने सेटिंग प्रोसेस भी दिखाया हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा, इससे आपको कटिंग के साथ साथ सेटिंग करने भी आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज मैं दो वीडियो बता दी, एक में तो खैर फुल प्रोसेस दिखाई और इसमें एक छोटी सी क्लिप ऐड की हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आप दूसरा भी कैसे कटिंग करके दे सकते हैं। जितना तो स्ट्रेट एंड सिल्क हेयर वालों को प्रॉब्लम नहीं होती, उससे कई गुना ज़्यादा टेंशन और डर रहता है वेवी कर्ली हेयर वालों को। उनका यही सबसे पहले सवाल होता है कि अच्छा तो लगेगा ना मेरे फेस पे, अच्छे तो दिखेंगे ना मेरे हेयर। और ये सवाल का आंसर उन्हें तभी मिल जाता है जब आप उनकी हेयर क्वालिटी को देखते हुए एक अच्छा कटिंग करके देते हो, जो उनके फेस पे भी सूट करता है और उनके हेयर शॉर्ट भी नहीं होते और अच्छा लुक भी आ जाता है। मेरे क्लाइंट हमेशा मुझसे खुश होके जाते हैं और मैं कभी शिकायत का मौका नहीं देती हूँ लोगों को। और ये बात मैं हमेशा आप लोगों को बार बार रिपीट करके बताती हूँ कि कटिंग सभी सीखो, हर टाइप की कटिंग सीखो, लेकिन क्वालिटी को देखते हुए आप तुरंत डिसाइड करो कि कौन सा कट करें और कौन सा ना करें। चलिए फिर, बाय गाइज़।